एवरीवन, टुडे वी विल डू चैप्टर 12 ऑफ क्लास 9th व्हिच नेम इज साउंड। वी हैव ऑलरेडी डन इट पार्ट्स इन व्हिच आई हैव मेंशन व्हाट इज साउंड, हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, हाउ इट इज प्रोपेगेटेड, व्हाई साउंड इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव। ओके, सो आई मस्ट से दैट यू हैव टू वॉच दीज पार्ट्स टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ this chapter. You can check out my description box for their links. Today we will cover the following topics. First one is reflection of sound, in which there is three forms. First one is echo, second one is a reverberation, and third one is uses of multiple reflection of sound, and then at last range of hearing. Okay, first of all we understood what is reflection of sound. We will heard about the reflection of light. हमने reflection of light के बारे में सुना है, तो उसमें हमने देखा कि क्या होता है। उसमें एक plane होता है, उस plane को consider करते हैं, उस पर हम एक normal drawn करते हैं, ठीक है, normal को हम एक drawn करते हैं, और जो कि वो perpendicular line होती है उस plane के ऊपर, और फिर हम देखते हैं कि लाइट ऑफ इंसिडेंस क्या पड़ रहा है और लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। यहाँ पे भी साउंड का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में हम देखेंगे, एक प्लेन को हम कंसिडर करेंगे, वो प्लेन कोई भी हो सकता है, जैसे आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन है, वो प्लेन जो है दिखाया गया है कि वो एक टेबल है, ठीक है, और वॉल, उसके बैक में वॉल बना हुआ है। तो अभी हम देखते हैं, फिगर के थ्रू समझते हैं कि क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है, यहां पे हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कर रहे हैं, तो हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की बात करेंगे। के लिए हम क्या करेंगे, एक कंसिडर करेंगे कि एक ये हमारा क्या है, टेबल है, इस टेबल से क्या हो रहा है, यहां पे एक वॉल बनी हुई है, ये हमारा टेबल हो गया, ये हमारा क्या है, टेबल है, और यहां से यहां पे हमने क्या करा है, एक वॉल हम सपोज कर रहे हैं कि बैक साइड में क्या है, एक वॉल है, ये वॉल हो गया, ये हमारा टेबल हो गया। अब हम सपोज कर रहे हैं कि यहां पे हमने एक क्लॉक वॉच रखा हुआ है, और मींस की क्लॉक रखा हुआ है, घड़ी रखी हुई है, और हम क्या कर रहे हैं, यहां से देख रहे हैं कि इसका जो साउंड प्रोड्यूस हुआ है क्लॉक से, ठीक है, जब वो प्रोड्यूस हुआ तो वो कहां जाके टकराया, जो हमारा वॉल है उससे जाके टकराया, और एक यहां पर परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे नॉर्मल लाइन, ठीक है, और ये टकराने के बाद वो क्या होगा, वापस आएगा मींस कि रिफ्लेक्शन बैक होगा, सेम एंगल बनाते हुए नॉर्मल से जितना एंगल यहां बना हुआ था जब साउंड क्या हो रहा था, ट्रेवल कर रहा था टुवर्ड्स दी ऑब्स्टिकल, यहां पे क्या है, हमारा वॉल है ऑब्स्टिकल, जिससे जाके वो क्या करेगा, टकराएगा साउंड। तो जो सबसे पहले जो रिफ्लेक्शन होगा मीन्स की पहले साउंड क्या होगा, इंसिडेंट होगा, उस पर जाएगा, और फिर वहां से क्या होगा, रिफ्लेक्शन बैक होगा। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा ये, और ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो हम एंगल ऑफ इंसिडेंट लिख सकते हैं इसको। ये वाला एंगल क्या है हमारा, ए मान लो इसको, ये ए है और ये क्या है, बी है, ठीक है। जो ए एंगल है वो क्या है हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, और जो बी है
वो कौन सा एंगल है, ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया, ये क्या है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट ऑफ साउंड का है क्योंकि साउंड की बात कर रहे हैं हम, यहां पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो गया। यहां पे एक हम यहां पे एक और लाइन देख रहे हैं जिसको हम एन से डिनोट करेंगे, ये क्या है एन जो है यहां पे वो क्या है एक नॉर्मल प्लेन है, नॉर्मल लाइन है यहां पे, ठीक है यहां पे नॉर्मल लाइन हो गई एन, और इसी के रिस्पेक्ट में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ जो हमारा इंसिडेंट है उसको हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। एक ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये कौन सी लाइन है, एक परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम कहां से, किससे परपेंडिकुलर है ये, फ्रॉम द प्लेन वेयर ऑल द थ्री लाइंस एक्टिंग, जहां पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंट की लाइन और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की लाइट लाइन और जो हमारा नॉर्मल है वो तीनों जो है उसी प्लेन पे क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, उसी प्लेन से ये जो लाइन बनी है नॉर्मल वो क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये हमारा प्लेन सरफेस हो गया, अगर हम यहां पे बात करें ये लाइन है, ठीक है ये जो लाइन है वो क्या है प्लेन लाइन है, प्लेन की लाइन है, लाइन ऑफ प्लेन, ठीक है लाइन ऑफ प्लेन हो गया ये, और उसी पे ये तीनों लाइन क्या कर रही है लाई करेंगी, और उसी से ये जो लाइन है नॉर्मल लाइन वो क्या है परपेंडिकुलर है यहां पे, ठीक है एक्टिंग ऑन दिस लाइन ऑफ प्लेन, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या देखा, अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की, तो वहां पे तीन चीजें हैं, क्या क्या है, एक एंगल ऑफ इंसिडेंट लाइन है, एंगल ऑफ इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, दूसरा हम नॉर्मल लाइन की बात कर रहे हैं, और तीसरा हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे नंबर वन बात करेंगे, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या होती है इक्वल होती है, ठीक है एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू ईच अदर विद रेफरेंस रेफरेंस टू नॉर्मल, तो यहां पे एंगल ए और एंगल बी क्या होगा एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, एक ये है। दूसरा क्या है, जो ये तीन लाइंस हैं, ठीक है इंसिडेंट लाइन रिफ्लेक्शन लाइन एंड नॉर्मल लाइन ऑल आर एक्टिंग ऑन द सेम प्लेन, ये सभी किस पे एक्ट कर रहे हैं सेम प्लेन पे एक्ट करेंगे, ठीक है ये हमारा सेम प्लेन, ये यहां पे एक प्लेन ये है, ठीक है उस पे ये एक्ट कर रही है, तो ये हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो गया, ठीक है। कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता क्या है,
अब इसकी वजह से, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से कुछ चीजें प्रोड्यूस हुई हैं, जैसे इको कहेंगे हम, रिवर्बरेशन कहेंगे, ठीक है। ये सब जो है कॉन्सेप्ट आया किसकी वजह से, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से। तो उसको अब हम समझते हैं कि इको क्या है। इको क्या होता है, जब कोई साउंड प्रोड्यूस होता है वो साउंड जाके स्ट्राइक करता है किसी ऑब्स्टेकल पे, यहां पे जैसे वॉल पे स्ट्राइक कर रहा था साउंड, क्लॉक से आया और वॉल पे जाके क्या हो रहा था, स्ट्राइक हो रहा था, ठीक है। ये क्या था, हमारा क्लॉक था ना, ये यहाँ पे हमारा क्लॉक है या वॉच बोल सकते हो, ठीक है। क्लॉक पे क्या हो गया, स्ट्राइक किया उसने वॉल पे जाके साउंड ने, और फिर वापस रिफ्लेक्शन बैक हुआ। तो ऐसा करने में, साउंड को दोबारा वापस से सुनने में 0.1 सेकंड का अप्रोक्स जो है गैपिंग हो जाती है, हमें दोबारा से जो साउंड सुनाई देगी वो साउंड क्या होगा, वही इको कहलाता है, ठीक है। यहां पे एक हम डायग्राम, ये हमारा ईयर है जिसके पास ये साउंड आके सुनाई देगा, ठीक है। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इको पढ़ रहे हैं कि इको है क्या, इको में क्या कर रहे हैं हम, इको क्या है, ये एक जो रिफ्लेक्टेड साउंड है जो हमें थोड़ी देर बाद सुनाई देती है, अप्रोक्स 0.1 सेकंड के बाद सुनाई देती है, तो उस साउंड को हम क्या कहते हैं, इको, ठीक है। तो हम करते हैं इको क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इको इट इज अ रिफ्लेक्टेड साउंड विच विल heard after 0.1 second क्या है, ये एक रिफ्लेक्टेड साउंड है जो हमें क्या सुनाई देता है कि कब, आफ्टर 0.1 सेकेंड, और अप्रोक्स भी इसको लिख सकते हो, ये अप्रोक्स टाइमिंग है, When a sound is reflected from the source, ठीक है। ये क्या है, एक रिफ्लेक्टेड साउंड है जो हमें सुनाई देता है, रिपीटेड साउंड है ये जो हमें रिफ्लेक्शन बैक, रिफ्लेक्शन होने के बाद सुनाई देता है, कब सुनाई देता है, अप्रोक्स 0.1 सेकंड के बाद, और ये कहां से प्रोड्यूस हुआ है, किसी सोर्स से प्रोड्यूस हुआ साउंड है जो जाके क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है और फिर दोबारा हमें सुनाई दे रहा है, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे माउंटेन्स पे जाओ या किसी बड़े बिल्डिंग पे हम चढ़ के हम आवाज लगाते हैं, अपना साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, वो थोड़ी देर बाद हमें क्या वापस से सुनाई देता है वही साउंड, तो वो क्या है, वो इफेक्ट ऑफ इको है, ठीक। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, एग्जांपल सोर्स ये क्या हो सकता है, जैसे कि माउंटेन पे हमने क्या किया, एग्जांपल माउंटेन वेयर व्हेन वी loudly talk or speak it will reflect back after some time। क्या होता है, माउंटेन पे क्या होता है, जब हम लाउडली स्पीक करते हैं, बोलते हैं,
तो वो वापस से वो जो साउंड है यहाँ पे क्या है साउंड साउंड विल रिफ्लेक्ट बैक आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद हमें साउंड जो है क्या होने लगती है सुनाई देने लगती है, वही जो है क्या है इफेक्ट इको है। ठीक है, ऐसे ही एग्जांपल जो है कि ये माउंटेन हो गया, एक हम ले सकते हैं कि हाइटेड बिल्डिंग हो गया, ठीक है हाइटेड बिल्डिंग की जगह बिल्डिंग लिख सकते हो आप, लार्ज बिल्डिंग लिख सकते हो लार्ज। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशंस में जहां जैसे माउंटेन हो गया बिल्डिंग्स हो गए इन सब जगह पे हमें इको का इफेक्ट दिखता है। नेक्स्ट वन है हमारा रिवरबरेशन। रिवरबरेशन क्या होता है, जब यहां पे हमने देखा कि एक बार रिफ्लेक्ट होकर हमें हमारे पास कान पे आया, थोड़ी देर बाद हमें सुनाई दिया, जब मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो, ठीक है एक के बाद हमें दोबारा से दो तीन बार हमें साउंड सुनाई दे वापस से, तो वहां पे जो टर्म हम यूज करेंगे वो क्या होगा रिवरबरेशन। ठीक है, तो रिवरबरेशन क्या होता है हमारा, रिवरबरेशन रिवरबरेशन में क्या होगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड टेक्स प्लेस मोर देन वन टाइम, एक से ज्यादा टाइम जो है हमें क्या होता है रिफ्लेक्शन साउंड का रिफ्लेक्शन जो है होता है इस टर्म के अंदर। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड टेक्स प्लेस मोर देन वन टाइम। ठीक है, तो हम इसको मल्टीपल रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं कि एक से ज्यादा बार जो है ये साउंड क्या होता है रिफ्लेक्ट होके हमें क्या होता है सुनाई देता है। एंड रिफ्लेक्टेड साउंड इज हर्ड टू ईयर टू द ईयर और लिस्नर। ठीक है, और क्या होता है ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है यहां पे और हमारे ईयर तक ये साउंड रिफ्लेक्टेड साउंड बार बार सुनाई देता है। ठीक है, और क्या है जैसे इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे हमारा क्या हो गया ऑडिटोरियम हो गया, एग्जांपल क्या है इसका, कहां हमें ये कहां हम इसको देखते हैं रिवरबरेशन को, ऑडिटोरियम हॉल हो गया। ठीक है, ये सब एग्जांपल है जहां हमें ये एक्सपीरियंस फील होता है रिवरबरेशन का। ठीक है, अब हम करेंगे कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन की अभी हमने बात की, यहां पे रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है क्योंकि यहां पे साउंड जो है मोर देन वन टाइम क्या हो रहा है रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये क्या है मल्टीपल रिफ्लेक्शन है। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन का यूज क्या क्या है वो हम करेंगे। ठीक है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन में इसकी एक से ज्यादा बार रिफ्लेक्ट होके आना। ठीक है, अब इसके जो है कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कभी कभी ये जो है यूजफुल नहीं होता, साउंड जो हमारा क्या होता रहता है बार बार रिफ्लेक्ट होके आता है, बार बार वापस फिर से रिफ्लेक्ट होके आता है, तो ऐसे में क्या होता है बहुत बार कि जो साउंड है
उसकी क्वालिटी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है और वो कभी कभी अनडिजायरेबल भी लगता है हमें। बार बार एक ही चीज को सुनना हमारे ईयर को पसंद नहीं होता, वो अनवांटेड बन जाता है साउंड। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन से जो साउंड बार बार आ रहा है उसको वो क्या कर दे, एब्जॉर्ब कर ले सारे साउंड को। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जैसे ऐसे मटेरियल्स यूज किया जाते हैं जो उसको क्या कर पाए, एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है, वो हम यूज करते हैं जैसे हमारा मूवी हॉल है, ठीक है, उनकी सीलिंग्स में हम ऐसे मटेरियल को यूज करते हैं जिससे कि वो क्या हो जाए, एब्जॉर्ब कर पाए अनवांटेड साउंड को जो बार बार रिफ्लेक्शन होके आ रहे हैं। ठीक है, और ये जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन है उसको हम ऑडिटोरियम में यूज करते हैं। ठीक है, ऑडिटोरियम में कैसे यूज करते हैं, ऑडिटोरियम में कि वो प्रॉपर हमें सुनाई दे उसके लिए, या मूवी हॉल की बात कर रहे हैं कि हमें प्रॉपर जो है हर तरफ साउंड जो है इक्वली प्रोड्यूस हो, उसके लिए क्या किया जाता है कि जो हॉल का जो सीलिंग है उसको इस तरीके से बनाया जाता है, हॉल के सीलिंग को, ठीक है, कर्व शेप में बनाया जाता है जिससे कि जब साउंड प्रोड्यूस होगा यहां से, सपोज दैट ये सोर्स ऑफ साउंड है, तो यहां से जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो क्या करेगा, यहां मल्टी यहां पे आएगा, तो यहां आएगा, यहां आएगा और रिफ्लेक्शन बैक जो है कहां जाए, ऑडियंस के पास जाए, जिससे कि ऑडियंस को सही से साउंड सुनाई दे। क्योंकि ऑडिटोरियम जो होता है काफी बड़ा होता है, हॉल की बात करें हॉल बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत सारी सीट्स होती हैं, बहुत सारे पर्सन बैठे होते हैं, तो बैक तक पूरा जो है जितने भी पर्सन बैठे हैं सबको इक्वली साउंड सुनाई दे, उसके लिए भी हम इसका यूज करते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन का। ठीक है, और मल्टीपल रिफ्लेक्शन का हमने देखा कि यहां पे हम किस में यूज कर रहे हैं, इट इज यूज्ड इन सीलिंग ऑफ मल्टीप्लेक्स की बात कर सकते हो, हॉल की बात कर सकते हो, सीलिंग ऑफ हॉल। दूसरी जो है ये कॉन्सेप्ट कहां यूज होता है, जैसे शहनाई होती है, ठीक है, शहनाई जो हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, शहनाई क्या हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और वहां पे ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन को, क्यों, जिससे कि हमें साउंड जो है दूर दूर तक सुनाई दे। जो शहनाई होती है उसमें एक पाइप लगा होता है, मैं इसके ऐसे, ठीक है, यहां पे इसमें बार बार मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है साउंड का, साउंड आता है रिफ्लेक्ट होता है फिर साउंड आता है फिर रिफ्लेक्ट होता है, तो वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में ये यूजफुल होता है, इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट है वो यूजफुल होता है, इसलिए शहनाई में उसको यूज किया जाता है। ठीक है, और भी जो हमारे इंस्ट्रूमेंटल हैं, इंस्ट्रूमेंट्स ही हैं जो जिनमें क्या होता है पाइप लगी होती है, पाइप इन द सेंस ऑफ ट्यूब की फॉर्म में होते हैं वो, ठीक है, ट्रम्पेट वगैरह होता है उसमें भी ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है, ट्रम्पेट में ठीक है, तो ये इसका यूज भी है और ये कभी कभी अनडिजायरेबल भी हो जाती है, वो हमने समझा। अब हम करेंगे रेंज ऑफ हियरिंग, कि सुनने का जो है रेंज कितना होता है साउंड वेव का, किस रेंज में हमें सुनाई देता है, तो अब हम वो करने वाले हैं।
range of hearing. जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनको सुनने के लिए जो है कितने रेंज की जरूरत होती है, 20 किलोहर्ट्ज. 20 किलोहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी अगर होगा साउंड का तो वो साउंड हमें सुनाई देगी, अगर उससे बिलो होगा तो हमें वो साउंड सुनाई नहीं देगी. ठीक है, तो सुनने के लिए रेंज ऑफ हियरिंग फॉर ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें, फॉर ह्यूमन बीइंग वो क्या होता है, 20 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड अगर होगा तो हमें वो सुनाई देगा साउंड, अगर उस साउंड की फ्रीक्वेंसी उससे कम होगी तो हमें वो सुनाई नहीं देगा. 20 किलो हर्ट्ज का मतलब क्या है, यहाँ पे मीन्स कि अगर हर्ट्ज में बात करें, फ्रीक्वेंसी को हमेशा हर्ट्ज में मापा जाता है, वो उसका यूनिट होता है. ठीक है, तो यहाँ 20 किलो हर्ट्ज इंटू, किलो का मतलब होता है 1000 और हर्ट्ज, तो ये आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ ह्यूमन हियरिंग, ह्यूमन बीइंग्स हियरिंग का रेंज क्या है, तो वो क्या होगा, 20 किलो हर्ट्ज. ठीक है, और चिल्ड्रंस में ये जो है 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा भी होता है, तो वहां पे जो चिल्ड्रंस के लिए, अगर चिल्ड्रंस की बात करें, छोटे बच्चे की बात करें, तो उसको 25 किलो हर्ट्ज तक भी सुनाई देता है. ठीक है, 25 किलो हर्ट्ज उसका रेंज होता है बच्चों के लिए. इसको जो है 20 किलो हर्ट्ज को एक स्टैंडर्ड माना गया, और उससे बिलो और अगर उससे ज्यादा होगा तो क्या होगा, अगर 20 किलो हर्ट्ज से बिलो होगा फ्रीक्वेंसी साउंड का, ये हमारा लेस देन है, लेस देन 20 किलो हर्ट्ज, और ये है मोर देन 20 किलो हर्ट्ज. अब क्या होगा, जब लेस देन 20 किलो हर्ट्ज होगा तो उसको हमने एक टर्म दी, वो क्या है, इंफ्रा साउंड. ठीक है, और इंफ्रा सोनिक साउंड, इसको हमने दो चीजें बोली, इंफ्रा साउंड बोला और इंफ्रा सोनिक साउंड बोला. ऐसे ही मोर देन 20 किलो हर्ट्ज अगर फ्रीक्वेंसी जाएगी साउंड की, तो उस साउंड को हम क्या कहेंगे, अल्ट्रा साउंड और अल्ट्रा सोनिक साउंड. ठीक है, इसके अगर एग्जांपल लें तो जो हमारा एलिफेंट होता है, एलिफेंट जो एनिमल है, एनिमल्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं जो इंफ्रासाउंड को सुनते हैं, मीन्स कि उतने में वो उनका रेंज जो है हियरिंग है, रेंज ऑफ हियरिंग वो क्या है, इंफ्रासाउंड है, मीन्स कि इंफ्रासोनिक साउंड है. ठीक है, तो उसमें जो है एक हमारा क्या हो गया, एलिफेंट हो गया, सम एनिमल्स लाइक एलिफेंट एलिफेंट्स, और यहां पे मैं एक और एनिमल की बात करूंगी जो क्या है, व्हेल. इनकी जो हियरिंग ऑफ साउंड होती है वो क्या होती है, लेस देन 20 किलो हर्ट्ज होती है, जो क्या है, इंफ्रासाउंड. ठीक है, ये मैंने बताया 20 किलो हर्ट्ज किसकी होती है रेंज, ये ह्यूमन बीइंग की होती है.
और ये जो मैंने बताया मोर देन 20 किलोहर्ट्ज़ वो किसकी होती है, वो होती है हमारी डॉल्फिन हो गई एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल डॉल्फिन, ठीक है। तो यहां पे हमने देखा रेंज ऑफ हियरिंग में कि एक हमने स्टैंडर्ड रेंज ले लिया 20 किलोहर्ट्ज़ जो कि हमारी ही हियरिंग है, ह्यूमन बीइंग की हियरिंग है, ठीक है। उतने हर्ट्ज़ पे हमें कोई भी साउंड सुनाई देता है, अगर उससे अबव या उससे बिलो होगा तो वो हमें साउंड सुनाई नहीं देगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा कि लेस देन 20 किलोहर्ट्ज़ पे भी कुछ एनिमल्स हैं जो सुनते हैं उस हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी के साउंड को, वो सुन सकते हैं। तो वो कुछ एनिमल्स थे जैसे हमने यहाँ पे बात की एलिफेंट्स की और यहाँ पे बात की हमने वेल की, ठीक है। वैसे ही अगर मोर देन 20 किलोहर्ट्ज होगा तो उस फ्रिक्वेंसी को भी कुछ एनिमल्स जो है सुनते हैं उस फ्रिक्वेंसी पे, तो वो जैसे हो गया क्या डॉल्फिन हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या क्या बात कर ली कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है, व्हाट इज इको, इको क्या है, रिवर्बरेशन क्या है, और यूजेस ऑफ मल्टीपल जो हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है साउंड का उसका क्या क्या यूज है, ठीक है। जो हमने बात की कि शहनाई में बात की, ट्रम्पेट में बात की कि शहनाई में उसका यूज होगा। नेक्स्ट हमने क्या किया कि रेंज ऑफ हियरिंग क्या क्या है, सुनने के लिए कौन से रेंज की फ्रिक्वेंसी की हमें रिक्वायरमेंट होती है, किस रेंज की फ्रिक्वेंसी में हम सुनने के लिए एप्लीकेबल होते हैं, तो वो हमारा क्या है 20 किलो हर्ट्ज है, ठीक है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कौन सा रेंज ऑफ हियरिंग, जो आपके एग्जाम 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आपको पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज अल्ट्रासोनिक, व्हाट इज इंफ्रासोनिक साउंड्स, ठीक है, ये आपको ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो इंफ्रासोनिक साउंड का आप क्या लिखोगे, इट इज अ साउंड विच हैज बिलो देन 20 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और अल्ट्रासाउंड में क्या लिखोगे आप, इट इज अ साउंड विच हैज मोर देन 20 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इस टाइप से आपको लिखना है, एग्जाम्पल देना है उसका और आपको पेपर में कंप्लीट करना है इसको, ठीक है। सो टुडे वी हैव एंडेड दिस सेशन, सो बाय एवरीवन एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।